रिकॉर्डिंग चालू। वेरी गुड, चलो। न्यू किंग एंड किंगडम, नए साम्राज्य, सॉरी क्या मतलब, नए राजा और उनका साम्राज्य, कैसे उनका मतलब कैसे उन्होंने अपना साम्राज्य, अब वहां तक तो अपने पढ़ लिया, रहन सहन, खाना पीना, आग वगैरह की सबकी खोज हो चुकी। अब राजा अपनी दादागिरी दिखाएंगे, अब जब मेरा शासन चलना चाहिए, मेरे चलने चाहिए, मेरी प्रजा खुश रहना चाहिए, ये सारी चीजें अपन इस वाले लेसन में रीड करेंगे बेटा, ठीक है। द टर्म राजपूत आइडेंटिफाई न्यूमर्स क्षत्रिय और बैरियर कास्ट इन नॉर्थन एंड वेस्टर्न इन इंडिया, ठीक है। जो राजपूत टर्म है बेटा वो कहां से आई, क्षत्रियों से, क्षत्रिय मतलब राजपूत जो युद्ध में भाग लेते थे, और थोड़ी लड़ता था पहले, ठाकरे लड़ते थे, राजपूत लड़ते थे, ठीक है। द टर्म राजपूत कम्स फ्रॉम राजपुत्र, कहां से आई, राजपुत्र, विच मीन सन ऑफ किंग, जो किसको कहते हैं बेटा, राजा का पुत्र होता था, ठीक है, समझ गए। यस सर। राजपूत आर फॉर्म्ड फॉर देयर फाइटिंग एबिलिटी एंड वंस रूल्ड न्यूमरस इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। जो राजपूत थे वो बेटा फेम्ड फॉर देयर फाइटिंग एबिलिटी, वो किस तरह जाने जाते थे, क्यों जाने जाते थे कि राजपूत ही युद्ध, क्योंकि उनको बेटा युद्ध करना आता था, ठीक है, युद्ध में वो फेमस थे, एक एक लाइन का, लाइन टू लाइन, सेंटेंस टू सेंटेंस अर्थ समझते जाना, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, हार्ड वर्ड आपको मैं उसका भी मैं बता दूंगा बेटा, ठीक है। मीन सॉरी, द ब्रिटिश ग्रुप मेनी ऑफ दीज स्टेट इन टू द राजपूत प्रोविंस, द ब्रिटिश ग्रुप मेनी ऑफ दीज स्टेट इन टू द राजपूताना प्रोविंस, यानी बहुत सारा जो राजपूताना प्रोविंस था, जो उनका जो आके रहने लगे, मतलब प्रोविंस मतलब उनका एक क्षेत्र था, वो कहाँ, वो किसके समय आया था, राजपूताना। टुडे इट इज द इंडियन स्टेट टू ऑफ राजस्थान, जो कि आज राजस्थान में है सर। इन 1192 पृथ्वीराज चौहान लेड टू द राजपूत अगेंस्ट द मुस्लिम मुगल इन्वेडर मोहम्मद गोरी, हु डिफिटेड देम एट द सेकंड बैटल ऑफ तराइन नियर दिल्ली। मैंने पढ़ा दिया शायद ये लेसन है ना, यानी मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने, सॉरी पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को सेकंड युद्ध में डिफिटेड किया, पराजित किया, कहने कर दिया। सेकेंड युद्ध हुआ था 1192 में, तराइन का जो सेकेंड युद्ध युद्ध था 1192, तराइन सेकेंड वार, ठीक है। वार मीन्स तो जानते हो बेटा, अब सीखो बेटा, वार मीन्स मतलब होता है युद्ध, ये सारी चीजें सीखना। अब मैं ये नहीं बोलूंगा युद्ध नहीं, वार, ठीक है। तो सेकेंड वार था बेटा 1192 को था बेटा, तराइन का युद्ध बोला जाता था, जो दिल्ली के निकट है। उसमें क्या किया, उसने मोहम्मद गोरी को पराजित कर देता, खुद जीत गया था, मतलब मोहम्मद गोरी हार गया था, और पहले बारे में मोहम्मद गोरी जीता था, पृथ्वीराज चौहान हारा था, समझ गए। दिस फर्मली एस्टेब्लिश मुस्लिम पावर एंड एंडेड राजपूत डोमिनेंस, और इसी इसी युद्ध ने यह साबित कर दिखा दिया कि मुस्लिम पावर कितनी है कितनी नहीं है, ठीक है। द ओनली राजपूत किंगडम दैट कुड चैलेंज मुगल रूल वर दोज इन ग्रेट थार डेजर्ट, जो कि बेटा एक मुगल थार डेजर्ट, मतलब अपना राजस्थान को ज्यादातर डेजर्ट के नाम से जाना, क्योंकि ज्यादातर हमारा जो वेस्टर्न इलाका है बेटा वो कौन सा है बेटा, डेजर्ट इलाका बेटा, तो जैसलमेर, बीकानेर, ये साइड पड़ते हैं ना, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ये पूरा क्या है, रेतीला इलाका, डेजर्ट युक्त, ठीक है। इसलिए राजस्थान को बेटा डेजर्ट भी कहते हैं थोड़ा, ठीक है, मैक्सिमम जो एरिया है, ठीक है, उसको जैसे अपने ये है ना, क्या बोलते हैं इसको, देखो ये राजस्थान के ऐसे पतंगाकार बेटा, इसको जैसे अपना ये राजस्थान मान लो ना, ये अरावली पर्वत है, ठीक है, ये एन हो गया, ये एस हो गया, ये डब्ल्यू हो गया, ये ईस्ट हो गया, ठीक है। जो ये इलाका आता है ना, ये इधर वाला, ठीक है, ये वेस्टर्न है पूरा, पूरा क्या है, डेजर्ट है बेटा, ठीक है। अपन कहाँ, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या क्या, डूंगरपुर, बांसवाड़ा वगैरह, यहाँ पर हनुमानगढ़, बीकानेर वगैरह आ गए, ठीक है। ऐसे और पढ़ाऊंगा मैं ज्योग्राफी में, आपको क्लियरली सारा समझा दूंगा, ठीक है।
In this chapter, we will read about many such new kings and kingdom that had a significant impact on the history of India. इस लेसन में हम बहुत सारे युद्ध और उनके बारे में उनका महत्व उनकी सिग्निफिकेंट उनकी महत्वता कितनी महत्वता है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे. हर्ष आल्सो नोन एज हर्षवर्धन वाज एन इंडियन एम्परर हु रूल्ड नॉर्थ इंडिया फ्रॉम 600 to 647 CE. हर्ष नाम का कौन था, एक राजा था बेटा, वो कब आया था 606 to 647 CE में, ठीक है, जो कि कहाँ का राजा था, नॉर्थ इंडिया का. आफ्टर हिज डेथ, उसकी मौत के बाद नॉर्थन इंडिया ब्रोक अप इनटू न्यूमेरस स्मॉलर किंगडम मेनी ऑफ विच वर रूल्ड बाय द राजपूत. समझ गए, नॉर्थन इंडिया ब्रोक अप इनटू न्यूमेरस स्मॉलर रिच किंगडम. फिर नॉर्थन इंडिया में क्या हुआ, मतलब उनके जैसे नॉर्थ इंडिया राजा ने अपने अपने क्षेत्र में बांट लिया, उसका टुकड़े हो गए, ठीक है. तो इसके बाद उन्होंने क्या किया, ब्रोक अप इनटू न्यूमेरस स्मॉलर किंगडम, छोटे छोटे साम्राज्य में बट गया, ठीक है. अब आज जैसे मान लो एक पर्सनल एरिया जिसमें वहां का कोई राजा था, किंगडम किसी राजा का किंगडम था, तो वो क्या करेगा, फिर वहां से उनके दोनों के युद्ध हो गया और उन्होंने अपना अपना क्षेत्र बांट लिया, तो ब्रोक अप हो गया ना वहां का एरिया. तो फिर क्या हुआ था, उसने अब इनटू न्यूमेरस स्मॉलर किंगडम, छोटे छोटे राजा मेनी ऑफ विच वर रूल्ड बाय द राजपूत, जो कि राजपुत्रों द्वारा शासित था, जो कि वहां पर कौन से राजा थे, वो राजपूत थे. अलोंग विद टू अदर पावरफुल किंगडम द प्रत्यास ऑफ द राजपूत कैन रूल्ड अपॉन नॉर्थन इंडिया फ्रॉम अराउंड 750 CE to 1000 CE. यानी कहने का अर्थ है, अलोंग विद टू अदर पावरफुल किंगडम, दूसरे दो राजा थे, द प्रत्यास ऑफ द राजपूत कैन रूल्ड अपॉन नॉर्थन इंडिया फ्रॉम अराउंड 750 to 1000 CE. 750 to 1000 ईस्वी तक बेटा नॉर्थ इंडिया पे बेटा राजपूतों का शासन था. समझ गए ये सेंटेंस का अर्थ, ठीक है. दिस वाज फॉलोड बाय द राजपूत क्लैन सच एज द तोमर्स हु बिल्ट द सिटी ऑफ दिल्ली का, जो कि शासक किसका था, एक तोमर नाम का राजा था, जिसने क्या बसाया था, दिल्ली को. पहले क्या कहते थे, दिल्ली का, धीरे धीरे नाम चेंज वो करते करते क्या दिल्ली, और अब तो बड़े प्यार से क्या कहते हैं, दिल्ली जा रहा हूं, ठीक है ना, समझ गए ना, ठीक है. बीच बाद फॉरवर्ड बाय चौहान, चंदेल, परमार, सोलंकी, कालाचुरी, घेड़वाल्स एंड गुइल्स हु वाज स्टार्टेड बिल्डिंग द रिस्पेक्टिव किंगडम ड्यूरिंग 8th to 10th century. द प्रत्यास, द पालस, द पाल्स एंड द राष्ट्रकूट वर इन्वॉल्व इन वार विद ईच अदर. कहने करते हैं 8वीं शताब्दी से लेकर, यानी 800 से 1000 शताब्दी तक इन्होंने क्या था, इनका शासन था, ठीक है, जिसमें कौन कौन से राष्ट्रकूट थे, घेड़वाल वंश था, पाल वंश था. समझ गए सर, ये वंश बेटा, अब ऐसा मत सोचो सर क्या पढ़ा रहे, धीरे धीरे समझ में आएगा, क्योंकि SST बेटा हिस्ट्री अलग है, और आपको मैं पोलिटिकल पढ़ाऊंगा, मजा आएगा आपको ज्योग्राफी पढ़ने, भूगोल, ठीक है ना, कौन सी वनस्पति कैसी है, कैसा डेजर्ट इलाका, कौन सा क्या है, कोई गाने क्या है, ठीक है मेरे लाल, ओके चलो इसके आफ्टर आ जाओ. हिस्टोरियन ओपन डिस्क्राइब इट एज द त्रिपट्टी स्ट्रगल, जिसको त्रिपट्टिक संघर्ष कहते हैं, किस किसके बीच होता, घेड़वाल वंश के, प्रत्यार वंश के, पाल्स वंश के, ठीक है ना, इसलिए इसको त्रिपट्टिक संघर्ष, तीनों के बीच संघर्ष होने वाला क्या कहलाता, त्रिपट्टिक संघर्ष, ठीक है. द फोर्ट टू स्टेबल कंट्रोल अपॉन नॉर्थन इंडिया अलॉन्ग विद कन्नौज, विच वाज स्ट्रेटली ए वेरी इंपॉर्टेंट सिटी, जो कि धीरे धीरे इन्होंने कन्नौज में स्ट्रेटली कन्नौज के लिए लड़े थे, कन्नौज का. द फोर्ट टू स्टेबल कंट्रोल अपॉन नॉर्थन इंडिया अलॉन्ग विद कन्नौज, विच वाज स्ट्रेटली ए वेरी इंपॉर्टेंट सिटी, क्योंकि कन्नौज एक बहुत अच्छी सिटी थी बेटा, तो उसको अपने आधिपत्य में, यानी अपने अंडर में, अपने कंट्रोल करने के लिए उन तीनों की लड़ाई हुई थी. कन्नौज के लिए होता ना एक मालूम आप अच्छी फसल होती हो, अच्छा साम्राज्य चलता हो सका, कुछ ट्रेड अच्छा ट्रेडर क्षेत्र हो, ट्रेडर मतलब व्यापारिक क्षेत्र हो, तो उन चीजों को देखते हुए उन्होंने क्या किया, यार कन्नौज मेरा हो, कन्नौज मेरा हो, कन्नौज मेरा हो, ठीक है, ठीक है. तो तीनों में क्या हुआ, त्रिपिटक संघर्ष हुआ, कौन कौन से, घेड़वाल थे, पाल वंश था, और कौन सा था,
ये कौन सा था बेटा? गुहिल वंश। सॉरी देखो, प्रतिहार, पाल्स एंड द राष्ट्रकूट वर इन्वॉल्व इन द बीच इधर ईस्टर्न ऑफ द ट्रिपिटिक स्ट्रगल। लोकेटेड एट द बैंक ऑफ रिवर गंगा, जो कि कहां पर, ये कन्नौज कहां पर है, किसके किनारे? गंगा किनारे, ठीक है ना। इट कंटेन रिच रिसोर्स ऑफ द रिवर अलोंग विथ ट्रेड एंड एग्रीकल्चर। इट कंटेन रिच रिसोर्स ऑफ द रिवर अलोंग विथ द ट्रेड एंड एग्रीकल्चर। मैंने बोला नहीं कि वो कन्नौज को क्यों आधिपत्य में लाना चाहते थे, क्योंकि वहां पर अच्छा, आगे बात, अच्छी एग्रीकल्चर थी और अच्छा ट्रेड था। एग्रीकल्चर तो जानते हो नहीं, खेती बाड़ी करना, ठीक है। उस क्षेत्र में क्या हुआ बेटा कि अच्छे तरह से वो खेती बाड़ी कर रहे थे, कर सकते थे, इसलिए सबने कहा कि कन्नौज मेरा, कन्नौज मेरा, कन्नौज मेरा। त्रिपिटक संघर्ष दोनों के बीच में हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। ड्यू टू बेगिंग वार फॉर ऑलमोस्ट 200, कितने साल तक युद्ध चला? 200 वर्ष, ठीक है। यही राजा चेंज हो गए बेटा कन्नौज के लिए, 200 वर्ष तक मारा कुटी, ठीक है। ऑल द थ्री पावर्स गॉट वीकेंड एंड लेटर कन्नौज वाज ऑक्युपाइड बाय द गेहड़वाल वंश, पर लास्ट में किसने युद्ध जीता? गेहड़वाल वंश वालों ने, ठीक है, गेहड़वाल वंश वालों ने जीता था, ठीक है। आगे आ जाओ। अलोंग विद दिस किंगडम द चोल्स वर पावरफुल किंगडम इन द एक्सट्रीम साउथ, और इसके अकॉर्डिंग अलोंग विद दिस किंगडम, इस साम्राज्य के हिसाब से देखा जाए तो साउथ में किसका था बेटा? चोल्स। कौन थे वो? चोल्स। चोल बेटा वंश का नाम है, साम्राज्य का नाम है। ये प्रतिहार आएंगे, गेहड़वाल आएंगे, गुइल आएंगे, ये सबने की प्रॉपर कास्ट होती नहीं तो क्यों समझ, तो ऐसे उनका वंश का नाम पड़ गया था कि मेरे वंश का नाम गेहड़वाल वंश होगा, मेरे वंश का नाम गुइल वंश होगा, मेरे वंश का नाम दिस होगा, दिस होगा, दिस होगा। ओके मेरे लाल और लालियो, ठीक, चलो आगे बढ़ो। कश्मीर, नेपाल, आसाम, उड़ीसा एंड द अरब्स मेन सर्च एंड मुल्तान वर सिग्निफिकेंट इंडिपेंडेंट किंगडम। और क्या हुआ बेटा? कश्मीर था, नेपाल था, कश्मीर था, नेपाल था, आसाम जो कमरूपा, उत्कला, उड़ीसा, ये क्या किसी भी राजा के अधीन नहीं थे। अब कोई ये थोड़ी चाहता, कभी देखा आपने अपने गांव में, देख लेना किसी की जमीन होती है ना बेटा, किसी का फील्ड है ना, तो वो अपने फील्ड से ज्यादा तो दूसरे के फील्ड को हड़पना चाहता है, देखा होगा नहीं, वो किसी मेड बंदी में या कहीं पर भी क्या करेगा, वो अटैक करेगा, वो समझ गए ना, ठीक है ना। तो ऐसे ही पहले के राजा कम तोड़ते, उनसे ही तो सीखे हमने ये चीजें, कोई गलत कह रहा हूं कि उन्होंने सोचा कि मैंने इस कन्नौज को आधिपत्य में कर लिया, अपने साम्राज्य में कर लिया बेटा, अब उन्होंने क्या करना चालू कर दिया धीरे धीरे, चल भाई अब अपन इसको करते हैं, किसको करते हैं? दूसरे साम्राज्य को। अब उनको ये दिखाए, उनको दिख गए थे, कौन कौन से दिख गए थे? उड़ीसा वाला दिख गया था, अभी बताया था नहीं मैंने आपको कौन कौन से थे, कश्मीर, नेपाल, कर्मापुरा जो आसाम में है, उत्कला जो उड़ीसा में है, ये क्या इंडिपेंडेंट थे, मतलब ये स्वतंत्र थे, ये किसी के अधीन नहीं थे, तो फिर इसके लिए लड़ाई लड़ना चालू कर दिया उन्होंने। सब यही तो सोचते ना कि ये भी मेरा हो, ये भी मेरा हो, सब कोई ये थोड़ी सोचता कोई बात नहीं भाई तू ले ले मेरे से, कहता क्या कोई मेरी जमीन से तू ले ले कोई बात, खुश रहे नहीं, कहता सब यही चाहते हैं आ जा भाई मेरे अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़े। Look at the map given on the last page and identify the area under the Rashtrakoot, the Pals and the Gurjar Pratihar Vansh. समझ गए? Gurjar Pratihar Vansh. The Pratihar. अब आ जाओ बेटा Pratihar Vansh का शासन कैसा था? Pratihar साम्राज्य का शासन कैसे था? वो देखो आप। नागभट्ट द्वितीय। नाम भी अजब अजब आएंगे बेटा। नाग आएंगे, सबड़े आ जाएंगे बेटा। नागभट्ट द्वितीय या सेकंड द फाउंडर ऑफ द प्रतिहार डायनेस्टी। प्रतिहार डायनेस्टी की खोज किसने की बेटा? नागभट्ट द्वितीय ने, समझ गए ना। बत्सराज एंड भोजराज वर द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी हु रूल्ड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बत्सराज और भोजराज, नाम भी कहते बेटा, बत्सराज और भोजराज पहले क्या थे जो इसके शासक थे, किसके? प्रतिहार वंश के, ठीक है। जिसकी खोज किसने की? नागभट्ट द्वितीय ने। Of this dynasty who ruled for a long period of time, जिन्होंने क्या किया वो समय तक, भोजराज और बसराज ने नागभट्ट द्वितीय के पहले वो समय तक अपनी जिंदगी बिताई, उस पर साम्राज्य किया। टॉपिक बाय टॉपिक चलने दो, क्वेश्चन पुटअप होगा आपके फ्यूचर में भी काम आएगा कि डायनेस्टी
ऑफ क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, डायनेस्टी, कौन सी डायनेस्टी थी वो भी, हाँ प्रत्याह डायनेस्टी की खोज किसने की, तो नागभट्ट द्वितीय ने। राजा भोज एस्टेब्लिश्ड पावर किंगडम इन नॉर्दर्न इंडिया विद कन्नौज एज इट्स कैपिटल। और राजा भोज ने क्या किया बेटा, नॉर्थ इंडिया में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, और उसमें से थोड़ा सा पार्ट किसको मिला लिया, कन्नौज का मिला लिया, ठीक है न? लगा ली थोड़ी थोड़ी सी काट हल्की सी, ठीक है, जैसे किसान किसी के जमीन पर लगाता है ना, कट लगा देता है वो, मेड़ वेड़ पर तोड़ देता, कहते हैं ना, ऐसे इसने क्या किया, थोड़ा सा कट लगा लिया किसके साथ में, कन्नौज के साथ में, ठीक है, समझ गए, राजा भोज था। यालसो और कन्नौज को क्या बना लिया उसने, राजधानी बना लिया अपने, क्या बना लिया, कैपिटल, ठीक है। भोजराज ने उत्तर क्षेत्र में अटैक करके कन्नौज को अपनी कैपिटल बना लिया, क्योंकि उसका थोड़ा सा पार्ट उसने गेट कर लिया और कहा ये मेरा है, मेरी कैपिटल है, करे जो कर लो, आए जो आ जाओ, समझ। ही आल्सो इश्यूड सिल्वर कॉइन विच कंटेमिनेट द इमेज ऑफ बरा द बोर अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु। ओहो, फिर उसने क्या किया, सिक्के चलाए किसके, चांदी के सिक्के चला दिए, बरा अवतार के और बोर अवतार के, लॉर्ड ऑफ विष्णु जो भगवान विष्णु के, ठीक है, सिक्के चला दिए, यानी सिल्वर के सिक्के चलाए, किसने चला दिए, भोजराज ने। आ जाओ भोजराज जी आगे बढ़ो। सुलेमान एन अरब ट्रेडर्स, अब क्या हुआ, सुलेमान क्या था, एक अरबी व्यापारी था, आगे व्यापार करने के लिए देख लिया कि अच्छी गंगा रिवर के किनारे अच्छी खेती होती है, अच्छा ट्रेड्स होते हैं, तो व्यापार किसी विदेशी को पता चल गया, सुलेमान को चलते भाई यहाँ पर जाते, देखते थे उनसे बातचीत करते हैं कि हाँ भाई तुम हमारे साथ व्यापारिक समझौता करोगे कि नहीं करोगे। अब इनमें दिमाग तो इतना था नहीं बेटा कि व्यापारिक समझौता करने आए, ये हमारे देश के अंदर यहाँ पर रह जाएंगे, अपना रेजिडेंस यहाँ रख लेंगे, अपने दादा दादी पापा मम्मी को सबको यहाँ ले आएंगे और अब यहाँ पर ही रहना चालू कर देंगे, ऐसा तो दिमाग था नहीं। उन्होंने कहा भाई कोई बात नहीं, कर लेते हैं अपन व्यापार, कर लेते व्यापारिक समझौता कर लेते, ठीक है बेटा आगे जाओ। हैज आल्सो रिटन अबाउट द प्रोस्पेरिटी ऑफ बोथ्स एम्पायर एंड हिज फाइन कैवलरी स्किल। और बेटा सुलेमान ने क्या कहा, प्रोस्पेरिटी मीन्स होता है बेटा समृद्धि, समृद्धि, समृद्धि समृद्धि किसको कहते हैं, सबसे घर में तो खूब समृद्धि, समृद्धि मतलब धन दौलत खूब का, तो हमारे भोजराज जी के पास भी खूब का, कोई कमी नहीं थी। और उसको देखते हुए सुलेमान क्या हो गया, हैप्पी हो गया बिल्कुल, बहुत अच्छे एंजॉय के साथ में, अरे कि तेरे पास तो बहुत अच्छा है, आजा भाई तू मेरे अंडर में आजा, देखते हैं कैसे पागल बनाएंगे फिर इनको भोजराज जी, इनको इनको सभी जी ट्रेडर्स आए बेटा विदेशी, तो देखना आगे बढ़ते हैं। कैबलरी स्किल्स, कैबलरी मतलब उसकी चतुरता, उसके स्किल्स, स्किल्स मतलब स्किल जानते हो ना आप, कुशलता, स्किल जानते हो कि आपकी स्किल को डेवलपमेंट करो, कहते हैं ना हम पढ़ने की बोलने की उठने की, इसको बोलते हैं स्किल, समझ गए। ओके हाँ नेक्स्ट पे कहां पर आ गए, एन इंस्क्रिप्शन ऑफ करनाल हरियाणा कंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द सेल्स ऑफ हॉर्सेस बाय सेवरल हॉर्स डीलर्स। ओहो करनाल हरियाणा में क्या था बेटे, घोड़े बिकते थे, ठीक है, करनाल कहाँ पड़ता बेटा, हरियाणा में, हरियाणा का जगह जैसे राजस्थान में सवाई माधोपुर क्या एक प्लेस है, ऐसे करनाल भी बेटा हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है बेटा, ठीक है, वहां पर क्या करते थे, घोड़ा का व्यापार होता था, घोड़े बिकते थे वहां पर, और कोई कुछ नहीं बिकता था, ठीक है, और पहले के उनको क्या घोड़ों की जरूरत थी और किसी की जरूरत नहीं थी, आज की तरह थोड़ी पेट्रोल भराना किक मारना चल मेरे, ऐसा थोड़ी होता था, नहीं, ठीक है, तो घोड़ों का व्यापारिक व्यापार कहाँ होता था, करनाल हरियाणा में, किसको पता चल गया, सुलेमान जी भाई साहब को पता चल गया, समझ गए, सुलेमान जी वहां पर भी पहुंच जाएंगे करनाल हरियाणा में घोड़ा खरीदने के लिए, आते हैं भेज गए भगवान। हाँ भाई, एन इंस्क्रिप्शन इन करनाल हरियाणा कंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द सेल्स ऑफ हॉर्सेस बाय सेवरल हॉर्स डीलर्स द सिग्निफिकेंट ब्रिस्क ब्रिस्क ट्रेड बिटवीन द प्रत्यार एंड सेंट्रल एशिया एंड दैट इंडिया इंपोर्टेंट हॉर्स फ्रॉम देयर एंड अरेबिया, ठीक है। धीरे धीरे उन्होंने बेटा क्या किया, ट्रेड करना चालू कर दिया किसके साथ, प्रत्यार और सेंट्रल एशिया के साथ में उसने सुनो व्यापार करना चालू हो गया। अब उनका अब आता अल मसदू आएगा, एक फोन आएगा अल मसूदी, अल मसूदी अनोदर प्रोमिनेंट अरब ट्रेवल ट्रेवलर हैज रिटन अबाउट द किंग्स आर्मी। कौन था, अल मसूदी था जो अरब ट्रेवलर था, अरबी यात्री था, जिसने क्या लिखा था बेटा, जिसके बारे में इन किंग्स आर्मी लिखा गया, इसे कहते हैं दैट इट हैड फोर डिवीजन विद
7 लेख टू 9 लेख मैन, वो कहते थे कि उनका जो डिवीजन था वो कितने लोगों के बीच में, 7 लेख टू 9 लेख, कितने लोगों से उसका संपर्क था, कितने लोगों के साथ में उनका बिहेवियर था। द आर्मी ऑफ द नॉर्थ फोर्ट विद द रूलर ऑफ मुल्तान एंड अदर रूलर एंड द आर्मी ऑफ द साउथ फोर्ट विद द राष्ट्रकूट एंड ईस्टर्न पाल्स। फिर आप उन पर घमासान होने लग गया, यानी युद्ध होना चालू हो गया धीरे धीरे। दिस आर्मी इम्पोज्ड ए चेक ऑन द पावर ऑफ द अरब्स एंड दे प्लेड ए सिग्निफिकेंट द कीपिंग इंडिया प्रोटेक्ट फ्रॉम द फॉरेन इन्वेडर फॉर आल्सो 300 फ्रॉम 712 टू 1000 सी। द आर्मी इम्पोज्ड ए चेक ऑन द पावर ऑफ द अरब्स एंड इट प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन कीपिंग इंडिया प्रोटेक्ट फ्रॉम द फॉरेन इन्वेडर ऑलमोस्ट 300। बेटा क्या हुआ कि हमारे जो द आर्मी इम्पोज चेक फॉर पावर ऑफ अरब्स, मतलब क्या हुआ बेटा, इम्पोज मीन्स होता बेटा शांति पूर्वक, हमारी जो इंडियन की जो आर्मी थी वो उस टाइम इम्पोज थी, शांति थी, मतलब हमारे जो देश के ही जो राजपूत थे वो शांत थे, वो किसी से ज्यादा झगड़े वगड़े नहीं करते थे, ठीक है, समझ गए, ठीक है, ठीक है। और उन्होंने ऐसे कितने दिन सहन कर लिए, 300 ईयर्स, 300 साल कर लिए, लेकिन वो आते रहे, हमारे यहाँ के लोग बैठे रहे चुपचाप बैठे रहे, धीरे धीरे जब भी तो अपने अंग्रेज यहाँ पर शासन करेंगे, तो गलत कह रहा हूँ, ठीक है। हाउएवर द अटैक्स बाय मोहम्मद ऑफ गजनवी फाइनली लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द प्रतियात आफ्टर देयर फॉल द चौहान्स एंड द गढ़वाल्स वर द राजपूत क्लैंस विच डोमिनेट नॉर्थ इंडिया। दीज वर द टू माइटी क्लैंस टू फोर्ट अगेंस्ट द मोहम्मद गोरी। अब क्या करेंगे ये दुबा, अब बेटा ऐसे मत सोचना, पहले तो क्या इन्होंने लाइन बताई थी पृथ्वीराज चौहान के बीच पर, इसके बीच में ये सब युद्ध 1192 और 1191 वाला जो था। अब ये तो क्या, अभी स्पीच तो चल रहे थे 712, अब बाद में होएंगे वो युद्ध, हुआ था ना वो तराइन का युद्ध, ये अभी बाद में, ये तो 712 से 1000 सी की बात चल रही, 712 से 1000 की बात है, और 1192 तो बाद में आएगा, ठीक है ना, तो ये अब ये युद्ध होएंगे बाद में, ठीक है। हाँ, द पाल्स, पाल्स आदा बेटा, पाल वंश, अब क्या पढ़ रहे हैं अपन, पाल वंश। प्रत्यार वंश किसने खोज की, इसने की, नागभट्ट द्वितीय ने। भोजराज था जिसने क्या चलाया, चांदी के सिक्के, उसमें क्या डिस्क्राइब था, भगवान विष्णु थे, समझ गए ना। ऐसे ऐसे आपको टुकड़े टुकड़े में बेटा सारी चीजें पढ़नी है, क्या था अरब, कौन सा मसलूदी, हाँ मलसूदी, क्या मान कहना था, मसूदी, मसूदी आया था, सुलेमान था आया था, कहाँ से आए थे, ये सारी चीजों के बारे में डिस्क्राइब आपको करना होगा, ठीक है। कितने क्लास एंड होगी आपकी, 15 को होगी, नहीं 15 पे होगी ना, ओके बेटा, टाइम अप हो गया, ठीक है। पालवंश पढ़ेंगे अपन कुमार, साइन लगा लो आप इसको, पाल पालवंश, ठीक है।